देखिए दोस्तों, ये छिल्ली है ना, लगभग छिल्ली है ना। ऑफिस का जितना गुस्सा होता है ना, सब मेरे पे है ना, सिर्फ मम्मी पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज सारा काम हो चुका है, और सारा काम होने के बाद आज बहुत ज़्यादा काम था। आज मैं पूरे घर को साफ की हूँ, मतलब पूरा घर झाड़ी पोछी हूँ। और उसके बाद देखिए, जितने भी मेरे घर में फ्लावर वगैरह थे सबको मैं धो दी हूँ। थे डेकोरेटेड वाला सामान, उसको मैं पानी से पोछ कर और कोलिन से पोछ कर मैं फिर से सजा दी हूँ। सरफ साबुन से धो ही दी हूँ, और साथ ही कपड़ा भी था तो कपड़ा भी मैं धोकर पसार दी हूँ। और अभी एक बार सूख रही है, ड्राई हो रही है कपड़ा। और किचन में सिर्फ मेरी बनी है चावल। आज मैं सिर्फ बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते, चावल और सलाद रहेगी। और अगर बच्चे बोले तो पापड़ तल दूंगी, वरना नहीं तलूंगी, क्योंकि हमेशा मेरे घर में पापड़ बनते रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। एक चीज़ और बोलना था, आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने से क्या होता है ना, कि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ब्लॉग बनाने में इंटरेस्ट आता है कि हाँ लोग मतलब जानना चाहते हैं। आप कुछ भी सवाल मेरे से कर सकते हैं, मतलब जो पूछ सकते हैं मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो अभी हस्बैंड गए हैं ऑफिस, अभी तक ऑफिस से आए नहीं हैं। बच्चे भी स्कूल गए हैं, तो बच्चे भी नहीं आए हैं। तो मैं जा रही हूँ फटाक से पहले सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद तब तक फिर हस्बैंड और बच्चे दोनों सभी लोग आ जाएंगे। आने के बाद फिर थोड़ा सा खाना बनाना थोड़ा सा होने लगता है, क्योंकि बच्चे पानी दो तो ये दो वो दो, थोड़ा नहलाओ वगैरह धुलाओ, उसमें बिज़ी हो जाती हूँ मैं, फिर बन नहीं पाती है। तो फिर वही सब मुझे बनाना है। तो चलिए पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। खाना मैं अभी सब हो गया है, मसाला बन गया है, और मैं ऐसे छोटे छोटे कोफ्ता बना ली हूँ। वैसे मैं शेयर की हूँ, इसलिए मैं इस बार शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत बार मैं शेयर की हूँ। और हस्बैंड आया ऑफिस से, और आने के बाद वो सो गए हैं। मैं सोचा चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। कैसी लगती है आप लोग को जरूर बताएं, हमें तो वही बहुत ही टेस्टी लगती है। देखे देखे बेटा, मम्मी बता स्क्रैप बुक में मेरा ए प्लस मिला। हाँ, ओहो, तब तो खुश। आप तुम्हारा जमा नहीं हुआ बेटा? जमा नहीं हुआ। हाइड साबुन दो पीस। ए बाबू, टाइट साबुन, सुनिए ना, शर्ट देखिए फट रहा, बटन निकल रहा है। स्टाइल है, कोई स्टाइल नहीं है। अच्छा, टाइट और स्पार्कले, मज़ा आता है आपसे राशन लिखवाने में। लेकिन ऐसे हम लिखते हैं ना तो याद नहीं रहता है। हाँ हाँ, अच्छा यही पढ़ रही, लिख लिए एक बार भी नहीं देख रहे। गुरनाक एक बार देखिए, अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोग पे गुस्सा निकाल रहे थे। ऑफिस का जितना गुस्सा होता है ना, सब मेरे पे है ना, सिर्फ मम्मी पे ना, मीठी सब पर निकलता है। क्या बना, क्या कर रहे बाबू? राशन निकाल रहे, राशन। अरे बाबा, कोई टाइम टेबल नहीं, जब मन के तब राशन निकालना चालू कर दो। सरी हाँ, सरियाना चालू कर दो। आटा है, चावल है, तेल है, 3 किलो तेल, 2 किलो रिफाइंड तेल,
चना दाल है, चना चना नहीं दिया, हाँ चना दिया दिया, लाहर दाल, कुछ याद नहीं रहता ना, अरे कुछ बोलोगी कि खाली ऐसे ही? क्या बोले, राशन रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, आज पूरा महीना का राशन आ गया है, अभी हम सिर्फ इस वाले डब्बे में सब रख देंगे, उसके बाद किचन में ले जाकर के कुछ सब छोटे छोटे डब्बा में भर देंगे, खाना नहीं बनाएंगे, इसीलिए तो जल्दी खाना बनाना है ना, खाना भी बनाना है जल्दी जल्दी, कुछ पहले रख लेते हैं सारा सामान, उसके बाद फिर आप मिलते हैं। इसको कब बनाओगे? कल मतलब जिस दिन हम बिजी रहेंगे उस दिन। आप ऑफिस में जाकर के बिरयानी पार्टी करते हैं, पूछते हैं हम लोग से। तो राशन रखने के बाद ना बच्चे लोग लेकर आ गए पाइनएप्पल कि मम्मी हमें खाना है, काट दीजिए। तो उसी को मैं काट रही थी शाम के वक्त कि इन लोगों को खाना था। तो वैसे मैं हमेशा काटती हूँ, हर साल जैसे पूजा होती है ना, तो ये भी तारनी पूजा में ये चढ़ता ही है। तो अगर कोई मिल जाता है ठेला वाला जो काट देता है तो ठीक है, वरना फिर मैं ही काटती हूँ। तो इस बार भी मैं ही काट रही हूँ, मतलब मैं काट लेती हूँ, मुझे काटना आता है अच्छे तरीके से, तो काट रही हूँ। और बच्चे देखिए बैठ कर देख रहे हैं, उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब कि मैं काट लूँगी। देखिए दोस्तों, ये छिल ना, लगभग छिल बेटा, हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा है ये वाला, देखिए सारा कांटा निकाल दिए, जितना भी था ऐसे ऐसे करके, ये तो तिरछा तिरछा रहता ही है, जैसे जैसे कांटा रहता है वैसे वैसे करते जाइए निकलते ही। अब इसको धो लेते हैं और धो के देते हैं सोनू को खाने के लिए, और इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, क्योंकि पूजा का है तो खाएंगे नहीं। मुंह में पानी आ रहा बाबू साहब के, एकदम गौर से देख रहा है कि कब मम्मी बस बोले, खाली मम्मी बोले बस कि बस लो और खाओ। ऐसे कैसे खाएंगे, कुछ देगा काटा चम्मच लाएगा तब ना। अरे कौन छुप कर है रे, खा खा के फट जाएगी समझी, कम खाया करो, कम तो खा रहे, सब खाना चाहिए, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, हमको पता ही नहीं था। अच्छा दिखता है क्या? लो मीठी, मीठा ले पाखी, ये तो खा के देखो। बच्चा लोग आप दे दे गौरव, सब बच्चा टूट पड़ा है खाने के लिए। कम खाओ, कम खाओ, पर थाली लेके बैठ गई है एकदम। ए सबको खिला रहे हम। अच्छा दो पीस खिलाइए, ऊपर सबको खिला रहे। तो फ्रेंड्स, सभी ने अनारस खा लिया, अब मैं उसके बाद जा रही थी शाम बत्ती देने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे।